अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 का आर्टिकल 3.9 पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। और इसी आर्टिकल में हम लोग रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी पढ़ के आ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज का मतलब कि कितने टाइम में चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि गिवन टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, यानी कि कितना चेंज आया है डिस्प्लेसमेंट में फ्रॉम ए टू बी, कितना डिस्टेंस कवर किया है इन टाइम टी होता है, डेल टी कहते हैं, ठीक है। जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपके पास होती है वेलोसिटी। लेकिन अब बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की। आप लोग पढ़ चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और मूव करते हुए पॉइंट टू पॉइंट इसका थीटा यानी कि एंगल चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस कवर करना। और ऐसा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, डायरेक्शन की बात आ गई जब तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेंशन करते हैं, शो करते हैं थीटा के साथ। रेट ऑफ चेंज का मतलब है टी डिवाइडेड बाय टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम इस सिंबल से शो करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बीच में यूज़ हुई हुई है। इट्स यूनिट्स आर, इसकी अब यूनिट्स कौन कौन सी हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास यूनिट्स होती हैं रेवोल्यूशन, डिग्री, रेडियन। तो आपके पास अब एंगुलर वेलोसिटी की जो आपके पास यूनिट्स आएंगी वो आएंगी रेवोल्यूशन पर सेकेंड, डिग्री पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट वी इक्वल टू आर ओमेगा। प्रूव करें कि वी जो होता है एंगुलर, जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू आर ओमेगा होती है। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। बॉडी जो है, एक हम लोग बॉडी सपोज कर देते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसका रेडियस आर है, ठीक है। रेडियस आपको पता है ना कि एज से लेके आउटर सरफेस से लेके सेंटर तक जो सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। आफ्टर टाइम टी इसने जो एक डिस्टेंस कवर किया वो एस था, ठीक है। आफ्टर डिस्टेंस कवर, साथ साथ लिखते जाते हैं, वो आपके पास एस है। एस से डिस्टेंस कवर हम लोगों ने शो की है, जो एंगल बनाया है इसने आपके पास, ऐसे बात है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुई है। ये देखें सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, जो कि थीटा से शो करेंगे। थीटा से शो करेंगे हमारे पास दो आ गए डिस्टेंस, एक लीनियर डिस्टेंस आ गया जो कि एस था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई थीटा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है एस इक्वल टू आर थीटा, आप पढ़कर आ चुके हैं क्या चीज़ है। अब आपके पास अगर टाइम बहुत स्मॉल है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को डेल टी के साथ शो करेंगे, यानी कि बहुत थोड़े से टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एस इक्वल टू आर थीटा को, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत स्मॉल है, डेल टी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल एस इक्वल टू आर। रेडियस आपके पास पता है कांस्टेंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट आपके पास किस तरफ भी, किसी भी आप पॉइंट पर खड़े हो जाए सर्कल के, रेडियस आपके पास कांस्टेंट होता है, रेडियस नहीं चेंज होता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है तो उसके साथ भी हम डेल थीटा लगा देंगे। ये आपके पास इक्वेशन वन है, ठीक है। इक्वेशन वन आ गया। इक्वेशन वन की दोनों साइड को डिवाइड कर दें डेल टी से, विद डेल टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स को डेल टी से डिवाइड कर दें,
डेल एस इक्वल टू डेल टी इक्वल टू आर, डेल थीटा इक्वल टू डेल टी। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एस मैंने क्या क्या कहा था? एस डिस्टेंस है, और पॉइंट टू पॉइंट जो आपके पास सर्कल में डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलग है, तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। तो डेल एस बाय डेल टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। इक्वल टू आर, टी को आर को हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, डेल थीटा बाय डेल टी। आप अभी अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं स्टार्ट में लेक्चर के, ओमेगा इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी, और ओमेगा क्या था आपके पास? एंगुलर वेलोसिटी थी। तो आप डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी की जगह ओमेगा भी लिख सकते हैं, ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये प्रूफ हो गया है वी इक्वल टू आर ओमेगा। हेंस प्रूव्ड।